वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए सी और डी फार्म विद रितिका। आज हम करेंगे हेंडरसन हेसलबेल्च इक्वेशन। हेंडरसन लेट्स स्टार्ट। हेंडरसन हेसलबेल्च इक्वेशन। हेंडरसन हेसलबेल्च इक्वेशन में हम वाटर को न्यूट्रल प्रूव करेंगे कि वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है। ये हमें प्रूव करना है थ्रू दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक प्योर वाटर लेते हैं, प्योर वाटर H2O। जब हम इसे आयन्स में डिसोसिएट करेंगे तब ये हमें देगा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। प्योर वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है 1 × 10⁻⁷। सेम OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी 1 × 10⁻⁷ होती है। पियर्सन सर ने बोला कि जो pH इज एक्सप्रेस्ड एज negative logarithm of hydrogen ion concentration। सियर्सन सर ने बोला pH is expressed as negative logarithm of hydrogen ion concentration। ये इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी। अब इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। pH is expressed as negative logarithm of hydrogen ion लिख लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन को हम ब्रैकेट में फॉर्म करते हैं। pH इज एक्सप्रेस एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारी मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। नाउ हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग, पहले हम इसे रब कर लेते हैं। एक बार आप पॉज करके लिख लीजिए। सो अब हम इरेज कर देते हैं इसे एंड हम ऊपर में लिखते हैं। pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग। अभी हमने हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू पढ़ी थी प्योर वाटर के अंदर इस 1 × 10⁻⁷। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं 1 × 10⁻⁷। इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम 10⁻⁷ को नीचे लिखेंगे ताकि ये नेगेटिव साइन हट जाए। हमने पढ़ा है यहाँ पर कि लॉग m अपॉन में n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n। ये हमने लॉगरिथम चार्ट में पढ़ा है ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। सो हम लिखते हैं log m 1 माइनस log 10⁻⁷। ये हमने log m माइनस log n यहाँ लिख दिया। हमें पता है कि log 1 जो होता है वो 0 होता है। log 1 is 0, तो यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं माइनस log 10⁻⁷। log 10⁻⁷ आपको log m की पावर n फॉर्मूला दिख रहा है, तो हम log m की पावर n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n log m।
पावर जो है वो आगे में आ जाती है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। सो हम इसको अप्लाई करेंगे लॉग 10 की पावर माइनस 7 को प्रूव करने में। सो 0 माइनस एन माइनस 7 लॉग 10, सेम हमने लिख दिया एन, एन इज माइनस 7, पावर को नीचे उतार लाए, फिर लॉग और एन जो है, एम जो है हमारा वो 10 है, ये हमने लिख दिया। सो ये नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव 7 हो गया, पॉजिटिव 7 लॉग 10, ये हमने लिख दिया। लॉग 10 हमें पता है, लॉग 10 होता है 1, लॉग 10 इज 1, लॉग 1 इज 0, लॉग 10 इज 1। सो हम लॉग 10 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 7। सो pH हो गया वाटर का 7। और हमने पढ़ रखा है कि जो 7 होता है, 7 होता है वो न्यूट्रल pH होता है, न्यूट्रल pH, न्यूट्रल pH। सो ना ही ये एसिडिक है, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। सो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो वाटर है pH का वो 7 होता है हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन से, ये हमने प्रूव कर दिया। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, पॉज करके इसको लिख लीजिए। नाउ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एक बीकर में हम लेते हैं न्यूट्रल पानी, न्यूट्रल वाटर, एक बीकर में लेते हैं हम प्योर वाटर, उसके अंदर हम एसिड ऐड कर देते हैं, एक बीकर में लेते हैं हम न्यूट्रल वाटर प्योर वाटर और थोड़ा सा इसमें बेस ऐड कर देते हैं। अगर न्यूट्रल है तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, न्यूट्रल वाटर है तो जो कॉन्सेंट्रेशन है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटोन इज इक्वल्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। नाउ इस वाटर में हमने थोड़ा सा एसिड डिसॉल्व कर दिया, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक हो गया है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ग्रेटर होगी OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन से, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटोन इज ग्रेटर देन द हाइड्रोक्सिल आयन्स, इज ग्रेटर देन द हाइड्रोक्सिल आयन्स। और ग्रेटर का साइन जिसकी तरफ मुंह खुलेगा वो स्मॉल होगा और जिसकी तरफ बंद वो ग्रेटर, ग्रेटर। यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा सा बेस डाल दिया, इसको एल्कलाइन बना दिया, एल्कलाइन बना दिया। यहाँ पर हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, इससे हमें ये पता चला। नाउ यहाँ पर H कॉन्सेंट्रेशन और OH कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हमने देखी 1 × 10⁻⁷ थी, 1 × 10⁻⁷। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो H प्लस आयन है वो बढ़ गया, H प्लस आयन बढ़ गया मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारी 3 गुना बढ़ गई, 10⁻⁴, 3 गुना बढ़ गई। जितना माइनस साइन कम आएगा इट मीन्स उतना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, उतना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ये 3 गुना कम हो गया, अगर हम OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन को देखेंगे तो ये 3 गुना कम हो जाएगा, 10⁻⁷ माइनस 7 के अंदर अगर हम 3+ करेंगे तो 7+3 = 10। माइनस 10 का मतलब OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन 3 गुना कम हो गया। बेस में भी सेम है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अब हो जाएगी 1 × 10⁻⁴। H प्लस की आयन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 1 × 10⁻⁰। ये सब जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है वो हम नॉर्मल वैल्यू से करेंगे। सो ये भी एक कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पर ख़त्म। नाउ हम देखते हैं अब कि जो एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है,
ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट जो होता है वो ग्रेटर देन वन होता है, ग्रेटर देन वन। और जो वीक एसिड्स होते हैं उनका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट स्मॉलर देन वन, स्मॉलर देन वन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्गर एसिड्स जो होते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, पर वीक एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते एक्वा सॉल्यूशन में। डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट वन का मतलब हुआ कि जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी है रिएक्टेंट की, वो है मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट के बराबर, मोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट के बराबर, इसीलिए हम वन वन से रिप्रेजेंट करते हैं। पर अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर जो मोलैरिटी होती है रिएक्टेंट की वो तो कम हो जाती है, वो तो कम हो जाती है, पर जो मोलैरिटी है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे आयन्स जो है वो आयोनाइज हो जाते हैं प्रोडक्ट में जाकर, रिएक्टेंट की कम और प्रोडक्ट की ज़्यादा हो गई, यहाँ पर आके अब सारे के सारे आयन्स जो है डिसोसिएट हो गए, रिएक्टेंट में कुछ नहीं बचा, इसीलिए डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट जो है वो ग्रेटर देन वन होता है, ग्रेटर देन वन। हम जो ये कंपैरिजन कर रहे हैं वो प्रोडक्ट को देख के कर रहे हैं कि ग्रेटर है वन से या स्मॉलर है। अगर हम बात करें वीक एसिड की, वीक एसिड के केस में क्या होता है कि आयंस जो है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं प्रोडक्ट में, इसीलिए इनकी जो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है वो स्मॉलर होती है देन वन, स्मॉलर देन वन, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे आयन्स जो है वो डिसोसिएट नहीं हुए, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है आयन्स का और यहाँ पर उससे ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, स्मॉलर देन वन डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है। सो यहाँ पर भी एक पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ ये ख़त्म हो चुका है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में हम बोरिक एसिड कंप्लीट करेंगे। सो अभी के लिए गुड बाय, कीप स्टडी, कीप हार्ड, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।